हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में जब बच्चों को बहुत अधिक खांसी जुकाम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती पर बलगम जम जाता है, तो आजकल आपने सुना होगा कि नेबुलाइज़र देने की सलाह दी जाती है। कब और कैसे देना चाहिए, बच्चों के लिए नेबुलाइज़र का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, दिन में कितनी बार इसका यूज़ करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसे में ठीक तरह से सांस आने के लिए बच्चों को नेबुलाइज़र लगाया जाता है। डॉक्टर ने बच्चों को नेबुलाइज़र के यूज़ को लेकर कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ठीक तरह से सांस ना आना, बलगम जम जाने के ट्रीटमेंट के लिए नेबुलाइज़र दिया जाता है। नेबुलाइज़र की मदद से सांस लेना आसान हो जाता है। इसके अंदर दवा डाली जाती है जो बच्चे को सीधे नेबुलाइज़र से मिलती है और वो इससे सांस लेते हैं। नेबुलाइज़र से दवा आसानी से शरीर में पहुँच जाती है और तुरंत प्रभाव के लिए दवा को शरीर बहुत जल्दी सोख लेता है। नेबुलाइज़र का ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों के लिए किया जाता है, जैसे कि अस्थमा से ग्रस्त बच्चों को दवा देने के लिए नेबुलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। अस्थमा की दवा के जो सॉल्यूशन आते हैं उन्हें नेबुलाइज़र में डाला जाता है और फिर नेबुलाइज़र की मदद से सांस ली जाती है। इस तरह दवा शरीर के अंदर पहुँच जाती है। बच्चों के लिए नेबुलाइज़र के प्रयोग को लेकर थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर दिन में से 3 से 4 बार नेबुलाइज़र से दवा दी जा रही है तो ही इसका फ़ायदा मिलता है। दोस्तों, कैसे काम करता है नेबुलाइज़र, सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, बच्चों के लिए नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करते समय मशीन के अंदर दवा डाली जाती है। नेबुलाइज़र दवा का इस्तेमाल कर उसे एरोसॉल में बदलता है। ऑक्सीजन अल्ट्रासोनिक या मशीन से एयर को कंप्रेस करके गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन बनता है। जब एरोसॉल तैयार हो जाता है, यह नेबुलाइजेशन मास्क के जरिए बाहर जाता है। कितनी बार आप बच्चे को नेबुलाइज़र दे सकते हैं? देखिए, इसका कोई एक स्पष्ट आंसर तो नहीं है, मैं कहूँ एक क्लियर आंसर नहीं है कि बच्चे को एक दिन में कितनी बार नेबुलाइज़र देना चाहिए। कई बार बच्चे को अधिक डोज की ज़रूरत होती है, तो वहीं कई बार उसे ज़्यादा जल्दी नेबुलाइज़र करने की ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे की जो कंडीशन होती है उसी हिसाब से डॉक्टर उसको नेबुलाइज़र देने की सलाह देते हैं। खांसी जुकाम में नेबुलाइज़र का क्या काम होता है? देखिए, अस्थमा तो एक बड़ी बीमारी हो गई, लेकिन आम खांसी जुकाम होने पर नाक अंदर से सूख जाती है और बंद हो जाती है। इस स्थिति में बच्चे मुंह से सांस लेना शुरू कर देते हैं। नेबुलाइज़र में सिंपल स्लाइम सॉल्यूशन डालकर इस्तेमाल करने से नाक की अंदरूनी झिल्ली में नमी आती है, नाक के अंदर फंसा म्यूकस ढीला हो जाता है और नाक का जो मार्ग चौड़ा हो जाता है। इस तरह जल्दी से नाक बंद नहीं होती है और नाक जो बंद है वो खुल जाती है और बच्चा पहले की तरह सांस ले पाता है। नेबुलाइज़र का इस्तेमाल किस तरह करें? देखिए, अगर आप बच्चे के लिए रोज़ नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको एक फिक्स रूटीन बनाकर रखें कि रोज़ इसी समय पर आप बच्चे को नेबुलाइज़ करें। बच्चों के लिए नेबुलाइज़र का इस्तेमाल एक फ़न एक्टिविटी की तरह बनाएं, ताकि बच्चे को ये एहसास ना हो कि वो बीमार है। अगर बच्चे को मास्क पहनने से डर लग रहा है तो आप इसे खुद पहनकर उसे दिखाएं। इसे पहनने से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बच्चों के लिए नेबुलाइज़र का इस्तेमाल करना ठीक है? देखिए, अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बच्चे के लिए सुरक्षित होता है। लेकिन अधिक अगर आपके बच्चे को थोड़ा सा भी जुकाम होता है, तुरंत आप उसको नेबुलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं होता है। जब आपको लगता है या जब आपको डॉक्टर बताता है कि अब आपके बच्चे को नेबुलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चे का जो जुकाम है बहुत अधिक हो गया है, तो केवल उसी कंडीशन में आपको बच्चे को नेबुलाइज़र देना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।